राधिका चरण पद्म जतने जे नाही आराधिला Yeah.
अनाशित बिंदाटवीत पदाकं असंभाषित भाव गंभीर चित्तान तस्याम सिंधो रसस्य भगाः। श्याम सिंधु रस में कौन डूबेगा? श्याम सिंधु किसको कहते हैं? राधिका जी के भाव को, विशेषकर के सुंदर उज्जवल पाशीय भाव को। उसी के लिए आचार्य है, उनके भाव में कौन डूब सकता है? अनारथ राधा प्रणाम। जब तक कि राधा जी के चरणों का आश्रय न करें, जब तक उनके चरणों का कृष्ण के चरणों के आश्रय से नहीं होगा, राधा जी के चरणों का संपूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करें। असंभाषित भाव गंभीर, कहीं कोई व्यक्ति अनाशित बिंदा कभी तत्व, और जो वृंदावन में जो राधा जी के चरणों के पूरी सर्वत्र है, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई गहर कीड़ा नहीं, यहाँ ऐसा वृक्ष नहीं, यहाँ राधा और कृष्ण की लीलाएं नहीं। वृंदावन का यदि कोई आश्रय यदि नहीं करे और असंभाषित भाव कम दिया, राधिका जी के भावों को समझने वाला, राधा जी का विशेष कृपा पात्र रसिक तत्त्वज्ञ रूप गोस्वामी जैसा कोई व्यक्ति, उनके आंगत्य में आने वाले लोगों का, रसिक वैष्णवों का संग यदि नहीं करे, उसके मुख से हरि कथा नहीं सुने, तो राधिका जी के वो जो भाव है मदनक भाव इत्यादि तक उसमें कोई डूब नहीं सकता। इसलिए राधा जी के चरणों का, इसलिए भक्ति वल्लभ ठाकुर कहते हैं राधिका उज्ज्वल रसी राचा, उज्ज्वल रस का मतलब उन्नत उज्ज्वल पार्थिव भाव। ये आचार्य हैं और राधा पद परम जतने से पाएगा कृष्ण पद, राधा पद बिनु कृष्ण नहीं मिले, राधा जी के कृपा के बिना राधा जी का आश्रय कर दिया तो अपने आप कृष्ण उसे पीछे पीछे ढूंढेंगे। इसलिए राधा जी तो चरणों को सब समय विशेष आग्रह के साथ में ग्रहण किया। कहा तो ऐसा गया है, राधा जी की कृपा से मैं कृष्ण को एकदम नहीं समझती, राधा जी की कृपा से यदि होगी कहे जी कृष्ण के यहाँ से शून्य से निकल जाओ, राधा जी का आदेश है और कृष्ण मानने के लिए बाध्य होंगे। राधिका चरण रेणु भूषण करिया, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे Oh,
जय कुंजी बिहारी
Thank you.
So when that sugar candy, the holy name, tastes really sweet, this is what happened. 当如果呢个圣灵嘅呢个咁样嘅系糖变得咁甜嘅时候咧，你将会呢个就会发生咁嘅嘢。 Now this book is called The Essence of Advice. 呢本书叫做《训诲嘅甘露》啦。Or the nectar of advice.
And the essence of advice, the essence of that nectar, is found in this next verse, verse 8. Which we'll all sing together. Thank you.